महोदय, जनपद संभल श्री कृष्ण कुमार के कुशल निर्देशन में थाना बनियाठेर पुलिस ने हत्या की घटना का सफल अनावरण। एक अभियुक्त को मैं आला कत्ल के साथ किया गिरफ्तार। संभल से उमेश गुप्ता, जी न्यूज इंडिया, जिला संवाददाता। थाना बनियाठेर पर 14 तारीख को प्रातः सूचना मिली। गांव के प्रधान ने बताया कि एक व्यक्ति की डेड बॉडी यहां पे पड़ी है। क्षत विक्षत अवस्था में वो डेड बॉडी थी। उसके बाद में पता किया गया तो पता चला कि एक व्यक्ति की चंदोसी में 13 तारीख को गुमशुदगी लिखी गई है। उस पर जांच पड़ताल में पाया कि यह व्यक्ति की शिनाख्त हुई और वो एक हलवाई था जिसका नाम पुष्पेंद्र था। वो अपने घर से 12 तारीख से ही गायब था। सर्विलांस के माध्यम से और अन्य चीजों से माध्यम से पता करने पर पता चला कि इस व्यक्ति की पत्नी का इनके मौसेरे भाई से एक प्रेम प्रसंग चल रहा था और जो मृतक है पुष्पेंद्र वो मिलने नहीं दे रहा था अपनी पत्नी से, जो मेन अक्यूज है। इसकी वजह से इन लोगों ने, अजय और इसकी पत्नी काजल ने स्कीम बनाई कि क्यों ना इसको रास्ते से हटा लिया जाए। इन दोनों के आपस में इस तरीके की कंस्पिरेसी हुई और 12 तारीख को इस प्लानिंग के तहत दशहरे के नाम पे पार्टी करने का इन्होंने स्कीम बनाया और उसके बाद में इस व्यक्ति को चंदोसी ग्रीन के पास में वहाँ ले जाकर शराब पिलाया और शराब पिलाने के बाद में इसकी चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने सारे इन्वेस्टिगेशन है उसके तहत सारे एविडेंसेस हैं कलेक्ट किए गए हैं, जिसमें घटना में प्रयुक्त आला कत्ल जो चाकू है वो उसका आधा भाग मौके से बरामद हुआ था और बाद में जब घास काटी गई तब उसका जो मेन भाग है वो भी बरामद हुआ है। घटना में प्रयुक्त जो उसने कपड़े जो अजय जो अक्यूज्ड हैं उसने पहने थे वो भी इसके घर से बरामद हुए हैं। उसके साथ साथ जो मोबाइल फ़ोन आपस में जो दोनों अक्यूज्ड हैं अजय और काजल जो उसको बात करने में यूज़ करते थे, जो मृतक की पत्नी द्वारा नाले में फेंक दिया गया था उसको भी पुलिस द्वारा मेहनत करके उसको रिकवर किया गया है नाले से। इस प्रकार पुलिस ने सारे आला कत्ल और घटना में जितने भी इम्पोर्टेंट एविडेंसेज हैं उनको कलेक्ट कर इस घटना का सफल अनावरण किया है। इसमें सर्विलांस की और थाना बनियाठेर के SHO की और सारे उच्च अधिकारियों को